स्लेव्स। हर क्यों हराम खोरों का लिबास पहन रखा है? इन्हीं कपड़ों की वजह से तो निकल पाया हूं। समझा मुआविया का सिपाही होगा, करीब था कि तुम्हें हलाक कर दूं। काश के कर दिया होता। तुम तन्हा क्यों हो? हारिस कहां है? मैंने तुमसे सवाल किया है, मेरा जवाब क्यों नहीं देते? पूछा है हारिस कहां है, कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो गए? हाँ, हाँ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुमने अच्छा किया जो हारिस के साथ रह गए। मैं तुम लोगों को छोड़ के बड़ा शर्मिंदा रहा हर। काश कि मैं हारिस की बात न सुनता और वहीं रह जाता। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया है? सच सच बताओ, डरते क्यों? हम उनको आजाद कर लेंगे। समझ गया, माविया हारिस को अपने साथ ले गया है और तुम उनका पीछा कर रहे हो। और हारिस को छुड़ाने के लिए तुमने ये लिबास पहन लिया है। क्या हुआ, तुम तो रोने लगे? हारिस को शहीद कर दिया। शहीद कर डाला? हाँ, मुआविया ने हुक्म दिया कि मरकज़ शहर में उनका सर उड़ा दिया जाए। अब हमें जल्द मदीना पहुंचकर हसन इब्ने अली से अपना वजीफा मुय्यन करना होगा। खुदा की कसम, अगर इजाजत दें तो हारिस के खून का किसास माविया और उसके साथियों से लेंगे। नहीं मालूम आज खाने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, अगर अमीर को मालूम हो जाए कि दो आदमी उसके हुक्मरानों में खाना नहीं खा रहे तो फौरन उन्हें माजूल कर देगा। इसलिए कि वो सोचेगा कि हसन इब्ने अली के साथियों से मिल गए। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मकसद, सिर्फ हसन इब्ने अली के साथी हमेशा रोजा रखते थे और हमारी तरह इतना खाना नहीं खाते थे। इब्ने ज़िलजोशन, बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रखो। हम अपना मुंह उस वक्त बंद रखेंगे जब हम चाहेंगे मुग़ीरा। कल और आज में बहुत फर्क है। हाँ, अब हम में और तुम में कोई फर्क नहीं। हम सब अमीर के हम पैमान हैं। हम में से जो भी चाहे ज्यादा खिदमत करके ज्यादा से ज्यादा इज्जत और एहतराम का हकदार बन सकता है। ऐसा लगता है कि कल की अमीर की बातें तुम्हारे ज़हन में नहीं उतर सकी। क्योंकि हमारे अंदर खिदमत करने की ज्यादा सलाहियत है तो हम अमीर के करीब भी ज्यादा होंगे और माल भी ज्यादा मिलेगा। क्यों? इस चापलूस को देखो, कल तक मेरे हाथ चाटता था और आज। मैंने कभी तुम्हारे हाथ नहीं चाटे मुग़ीरा। हम सब मिलकर अमीर के पांव चाटते हैं। बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके तुम तीनों अपना बिस्तर बोरिया समेटो और यहां से दफा हो जाओ। सरे हकम, बेहतर है तुम हमारी हुरमत महफूज रखो, इसलिए कि देर या सवेर तुम्हें हमारी सख्त जरूरत पड़ेगी। तुम जैसे दोगले मक्कार और चापलूस लोगों की मुझे हर किस जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द देख लोगे। सरदार इस चीज से परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमीर उसको उसके मकाम से हटाकर हमें मदीने का हाकिम बना दे और उसको घर बिठा दे।
तू तो अपनी जबान बिल्कुल बंद कर कुत्ते की। देर हो गई है, बेहतर है अब चलना चाहिए। इब्ने उमैर, हमें मरवान और मुगैरा के आमाल और रफ्तार से ज्यादा रंजीदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मुतमईन हूं कि ये दोनों बहुत जल्द अपने किए और कहे पे नादिम होंगे। मैं सख्त परेशान हूं और इस वक्त कोई खास खुशी भी नहीं है। खुदा की कसम, अगर हारिस और हर्ब और गैस और सईद के बेटे मिल जाएं तो उन्हें फौरन मार डालूंगा। अगर तुम्हारे हाथ आ जाए। देखो मैंने कैसे इस हुकूमत की हुसूल की खातिर बरसों खून बहाया है और इन्होंने एक ही रात में सब बर्बाद करके रख दिया है। मैं मुतमईन हूं कि अमीर अभी मेरी माजूली की फिक्र में होंगे। अभी तक तुम्हें हटाने का नहीं भी सोचा तो जल्द ही सोच लेंगे। इब्ने उमैर, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं मुझसे मजाक मत करो। मैं कोई मजाक तो नहीं कर रहा, बहुत जल्द मेरी बातों का मतलब समझ जाओगे। कल सुबह बहुत सारे लोग बगावत करेंगे और एक अजीम फितना बरपा होगा और उस वक्त अमीर तुम्हें माजूल करने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे। कौन है जो बगावत का कसद रखते हैं? हमारे कल के यार जो आज हमारे दुश्मन हैं। खवारिज? कौन हैं ये लोग, इनके नाम क्या हैं, इन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है? हम जो इतनी देर तक दारुल हुकूमत में रुके हैं वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बता दें कि हम सब मिलकर तदबीर करेंगे, लेकिन अब ये समझते हैं कि हुकूमत के उमूर अमीर के हुक्मरानों के हवाले कर दें और हम उनके काम में कोई दखल ना दें। चलो। रोको शेमर, अशास, इब्ने उमैर, मैंने जो कुछ भी तुम लोगों से कहा है अगर उसकी उज़्रख़ाही करूं तो क्या यह तुम लोगों के लिए काफी होगा? शायद हो या नहीं। तुम लोग चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि इसके बाद तुम हमारा एहतराम करोगे, इसके अलावा उमूरे कूफा में तुम हमसे मशवरा करोगे, हमारे मशवरे के बगैर कुछ नहीं करोगे। यानी अपनी हुक्मरानी को तुम लोगों के साथ बांट लूं? हाँ तुम सही समझ गए। ठीक है, कबूल करता हूं। वाकई तुम बड़े पस्त आदमी हो मुगैरा, इतनी जल्दी तुम इन धोखेबाज मुनाफिकों की बातों में आ गए। सरदार तुम भी जल्द आ जाओगे, मैं मुतमईन हूं तुम्हारा हाल भी मुगैरा से बदतर है। अमीर ने हसन इब्न अली के कत्ल की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले की है, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं मुतमईन हूं कि मेरी मदद के बगैर तुम ये काम नहीं कर सकते। और उस वक्त तुम अपना हाथ हमारी तरफ मदद के लिए बढ़ाओगे और हमें मौका मिल जाएगा कि जो तुमने हमारे साथ सुलूक किया है उसका जवाब दे दें।
अभी तक 20 लोगों को मार चुके हैं और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। कोई फरार भी हुआ है? हाँ, कुछ लोग। भाग नहीं सकते, कल शहर का दरवाजा बंद कर देंगे और घर घर तलाशी ली जाएगी। तुम भी बेहतर है कि अपने घर लौट जाओ और सफर के लिए आमादा हो जाओ। चंद्रोस शहर से दूर रहें और ऐसा जाहिर करें कि हम लोग भी खतरे में हैं, फिर लौट आएंगे और कहेंगे कि अमीर ने हमें बख्श दिया है। Ha ha ha!